राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में राजनीतिक स्थिति भाजपा के लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने बीजेपी के 400 से अधिक सीट जीतने संबंधी दावे को खारिज करते हुए कहा कि वह कई राज्यों में सत्ता से बाहर है। पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के शिरडी में आयोजित पार्टी के एक सम्मेलन में एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र में सत्ता संभालने के बाद बीजेपी ने कई कार्यक्रमों की घोषणा की और कई आश्वासन दिए, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया और लोगों को धोखा दिया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में राजनीतिक स्थिति भाजपा के लिए अनुकूल नहीं है। उन्होंने बीजेपी के 400 से अधिक सीट जीतने संबंधी दावे को खारिज करते हुए कहा कि वह कई राज्यों में सत्ता से बाहर है। पश्चिमी महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के शिरडी में आयोजित पार्टी के एक सम्मेलन में एनसीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र में सत्ता संभालने के बाद बीजेपी ने कई कार्यक्रमों की घोषणा की और कई आश्वासन दिए, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया और लोगों को धोखा दिया गया।